अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक है। और अभी बस जो है ना, हमारी तैयारी हो गई है गांव जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है न्याज है हमारी। तो अभी रात के इस टाइम अभी 8 बज रहे हैं, हम लोगों ने जाना है। एक तो जगह वगैरह डिसाइड करनी है कि कहाँ न्याज खिलाई जाए जहाँ मैक्सिमम लोग खाना खा सके, और सेकेंड ये कि न्याज का ऑर्डर हो गया, सबील का अहतमाम हो गया, लेकिन कुछ बर्तन दरिया पंखे काफी चीजें अरेंज करनी है। अभी हम जाएंगे गांव, सारे अरेंजमेंट्स रेडी करके रख के आएंगे, लेकिन आ जाएंगे घर वापस। और फिर सुबह, यानी कि अभी आज 9 मुहर्रम है, रात का टाइम है, सुबह 10 मुहर्रम है, तो लेकिन 10 मुहर्रम की जो सारी नियाज है ना, उसका करना है आज अरेंजमेंट जाके। वैसे तो देखो का ऑर्डर दे दिया, सब चीजें कर ली हुई हैं, डिस्पोजेबल भी सब चीजें आ गई हैं, लेकिन बेसिक है अभी वेन्यू के कहाँ खिलाया जाए। वैसे तो हमारा अपना घर भी है, लेकिन वो थोड़ा सा गांव की बैक साइड पे है, उस तरफ सबका आना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी छोटी खाला का भी घर है, वैसे भी 2-3 घर है, देखेंगे कहाँ हमें जो है ना फिजिबल रहेगा, जहाँ मैक्सिमम लोग आके जो है ना वो खाना खा सकें। तो अभी चलते हैं गांव, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह देखते हैं। आज के व्लॉग में ही आपको हम दिखाएंगे क्या क्या न्याज होगी, किस तरह से अरेंजमेंट्स होंगे। तो अभी चलते हैं जी गाँव। याम फातिमा, तैयार हो गए हो आप? हाँ जी, चले चल आ जाओ। क्या शूज रह गए? शूज रह गए अपने, दिखा रही है। चले शूज पहन के निकलते हैं। अभी हम लोग जी अपने रास्ते पे हैं, और सफर जो है अभी सारी हम ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ फातिमा सो गई, लाइट फाड़ी आंखों में। अभी पहुंचते हैं जी गांव इंशाल्लाह। और रोड्स इतने खराब थे ना, अंदर अंदर से कहीं से जा रहे हैं, मेन सारे रोड्स पे हम लोग नहीं निकले। अभी देखिए ना, अंधेरा भी काफी हुआ, बड़ा टाइम हो रहा है इस वक्त, 8:30 बज रही है रात के। चलिए जी अभी गाँव चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी फाटक बंद है जी हड़प्पे वाला, और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हम लोग अपनी सारी चीजें जो है ना वो अरेंज कर रहे हैं, सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, सारे हो गए। चलें जी अभी घर चलते हैं, रात के इस टाइम बज रहे हैं 11। अस्सलाम वालेकुम हयाम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करें हयाम फातिमा। हयाम फातिमा, ये पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे। अभी हम लोग जी शॉपिंग क्लब आ गए, साहिवल वापस आके और जफर ले आया बाकी सामान। हाँ जी, चीनी है। हाँ जी, जामे शीरी और वो क्या मलंगू, मलंगू ही दुख मलंगा, उसे मलंगू कहते हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी नाम पढ़ा। और चीनी बस ठीक है, 3 चीजें रह गई। ये देख, हाँ ये बिल्कुल, ये क्या लिखा है, किधर रखा है? मलंगू लिखा हुआ, मलंगू कहाँ लिखा है ना? हाँ मलंगू ही लिखा है। ये दो रहने थे पैकेट, दो ये पैकेट है, दो रूफसा। हाँ, और ये गार्बेज बैग, गार्बेज बैग भी ले आया। चलो ठीक है, इसे रख दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? वेलकम बैक। अभी सुबह हो गई है, रात सारे अरेंजमेंट्स करके तो काफ़ी मसरूफ रहे हैं। और यहाँ फातिमा भी अस्सलाम वालेकुम कर रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव दोबारा, क्योंकि आपको पता है कि न्याज हमने गाँव देनी है। और डिसाइड यही हुआ है कि मेरी छोटी खाला गाँव रहती है, उनके घर पर जो है ना न्याज का सारा हमने अहतमाम किया, और वहीं सबको जो है ना बिठा के न्याज खिलाएंगे। क्योंकि हमारा अपना जो घर है वो थोड़ा सा साइड पे है, और अम्मा जी भी जो है ना वो कैटरिंग वगैरह आपको पता इतना नहीं उनके है कि वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो गया, न्याज हमारी पहुँच गई है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग गाँव। हाँ, ये वीडियो बनवा रही, व्लॉग बनवा रही है, तो पीछे फसलें हैं, सारी चीज़ें हैं। और अभी हयाम भी बहुत कम सोई है, लेकिन चलते हैं, हयाम सोएगी, हम सबको न्याज खिलाएंगे, क्योंकि मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना। और हमारे गांव में काफ़ी सारे ईद के जो लोग हैं ना वो भी आते हैं, वो हमारे मेहमान हैं ऑब्वियसली। तो अभी आज जफर की अनहोनी एफर्ट ज़्यादा, चले अभी चलते हैं जी गाँव, और हमारी न्याज पहुँच गई है, सारी आज की रूटीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी नहीं करना, चलो हमारी न्याज जो है ना वो आ गई है पक के, और साहिबा से बनवा ली थी। यहाँ पे जो है ना बिरयानी बनवाई है, चिकन बिरयानी। अभी जो है ना चार दे की आ गई है बिरयानी की बन के, और यहाँ पे जो है ना वो आ गया है हलीम, ये देखिए माशाल्लाह। न्याज बस अभी डिस्पोजेबल बर्तन हम लोग कल ही ले आए थे, अभी जो है ना हम लोगों ने न्याज का जो है वो सिलसिला शुरू कर देना है। अभी जफर गए हैं कुछ लोगों को हेल्प के लिए बुलाने के लिए, तो अभी न्याज शुरू करते हैं और फिर आपके साथ दोबारा शेयर करते हैं। दो तीन लगवा के रख दो और डाल दे, दो तीन अभी रखवा लो, आपको होल्ड पर रख के देना।
अभी भी माशाल्लाह न्याज का सिलसिला शुरू हो गया, सब लोग आ गए हैं न्याज खाने के लिए और अभी स्टार्ट कर रही है। अभी ऊपर नीचे रखी हुई है सारी चीजें, लेकिन न्याज माशाल्लाह बहुत अच्छी, हलीम भी बड़ा अच्छा बना है और राइस भी जो है ना बिरयानी में बहुत अच्छी बन की नहीं है। पानी आपने बनवा लिया है ना ठंडा? आप यहाँ से डिस्पोजेबल काफी पानी के माशाल्लाह जी आज गर्मी भी है कि आज ही है बस इतनी शदीद गर्मी का सार लग गया उसका। हयाम की हालत देख के पता लग रहा होगा कितनी गर्मी है, लेकिन एक मिनट भी नहीं कितनी देनी है दो ये पॉसिबल वाला काम जो है वो ठीक है। चम्मच वगैरह है ना? ये खत्म हो गई बस ये माशाल्लाह चार देखे खत्म हो गई है, आखिरी पांचवी अब माशाल्लाह नियाज अच्छी भी बहुत बनी है सर। ओ और लेने चाहिए थी मानो है कितनी माशाल्लाह खा रही है ये थोड़ी चावल खा रही है के ऊपर चालों पे खड़े हर देगी बस ठीक है करेंगे चले। माशाल्लाह जी न्याज बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, बहुत ज्यादा लोगों ने खाना खाया। अभी बस कुछ फैमिलीज की तरफ भी जवाना है और चार देगी हमने माशाल्लाह खत्म कर ली है और बस आखिरी हमारी चावलों की रह गई है देग और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बरकत वाली न्याज रही है। अभी स्पीड को आप लगाओगे वो अभी थोड़ी अच्छा आप छोड़ो मैं बना रही हूँ आप छोड़ मानो देगे गर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी बरकतों वाली न्याज थी माशाल्लाह, न्याज सारी हमने खिला ली है और आज जो है ना उनके सामने बहुत माशाल्लाह लोगों को न्याज खिलाई है और हयाम फातिमा ने भी हल्की क्या हालत हुई पड़ी पसीने से इसके। अभी बस ये एक छोटा हॉटपॉट और एक वो उसमें राइस है इसमें हलीम है अभी अपने लिए रखी है बस अभी हम खाना खाएंगे और अब जो है ना जफर का काम रह गया सबील वाला तो वो अब इंशाल्लाह जो है ना रूट पे जैसे जैसे फिर मौला की अतादार है जैसे जैसे फ्री होंगे उनके लिए जो है ना वो चीज़ें सब रेडी हुई पड़ी हैं तो अब मुजफ्फर दूध वगैरह बनाएंगे सबके साथ मिलके। हमारा काम लेडीज का बस घर के अंदर तक यही तक था, अब जो है ना सारी जिम्मेदारी भी बाहर हमने खिलाया है सारा। हाँ सारा खिलाया है तो लेकिन अब बादल आने लग गए मौसम अच्छा हो गया। अब इसका मतलब है मौसम अच्छा हो गया ठंडा होने ठंडा हो गया ना फिर ठीक है। अच्छा गर्मी बहुत है आज लाइट भी चली गई ये यूपीएस चल हालत हमारी देखो ना देखो का एक ज्यादा हीट होती है एक लाइट से नहीं पता मैं आप आई थी मैंने कहा इसी चला के थोड़ी देर बैठती है लेकिन लाइट चली गई। खाना खाने आपने मौसमा गई है प्लेट समझ के आपको भी दें सफर हां नहीं थोड़े से खा लिया आपने चले मैं लेके आती माशाल्लाह माशाल्लाह दुआएं कबूल हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। इतनी शदीद गर्मी थी ना कि सांस भी लाना जो है ना मुश्किल हुआ था लेकिन अब इतने बादल आ गए हैं अब जो है बारिश हो रही है तो आप सबके लिए हमने बहुत सारी दुआएं की हैं। अल्लाह ताला जो जो भी बे औलाद है उन्हें साहे बे औलाद करें सबकी परेशानियाँ दूर करें सबकी रिस्क रोजी में इजाफा करें जो भी घर है उन्हें घर दें और सबके लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो आमीन। बहुत सारी दुआएं की आपके लिए आपने हमारे लिए जरूर कर दी है पता नहीं किसकी आमीन कबूल और दुआएं कबूल हो जाए। अभी हम ऊपर आ गए नीचे लाइट गई हुई है लेकिन ऊपर माशाल्लाह ठीक हो गई। अभी आपकी वैसे मैं हालत दिखाऊं ना इस टाइम अभी जो है ना जफर की हालत जो है ना हमसे ज्यादा खराब हुई हुई है जेंट्स में क्योंकि माशाल्लाह रास्ता लेकिन आप इधर हवा ठीक है आप खेल भी आप ठीक। हाँ हयाम फातिमा अब हवा लगेगी ना तो अब जरा ठीक हो जाएगा तो चले जी माशाल्लाह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 11 बजे हमने 8 बजे न्याज शुरू की थी और माशाल्लाह 11 बजे से पहले पहले इतने माशाल्लाह लोग थे डिफरेंट गांवों से सब जगह से आए हुए थे। अभी आंधी आ रही है चलते हैं नीचे और फिर बाकी का जो सारा दिन होगा वापस आने के लिए अल्लाह हाफिज़ तो करे यहाँ देख के खुश हो रही।
माशाल्लाह से जी बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज। मौसम ठंडा हो गया। बारिश अभी तक हो रही है और इधर पड़े हैं जी जूस और बोतलें जो ठंडे हो रहे हैं और इधर दूर बॉयल होकर पड़ा हुआ है। इधर एक देख ये है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर है और एक इस साइड पे। तो अभी बर्फ़ भी लेते हैं और बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक जी। इधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है गांव में और इधर हमने गांव के चौक में ही लगाई है दूध की स्पील और आते जाते सारे लोग यहां से पीते जा रहे हैं। इस साइड पे भी जो भी लोग गुजर रहे हैं वो स्पील पी के जा रहे हैं। गाँव की सड़कों पे पानी बहुत ही ज़्यादा खड़ा है।